कई ढोलक बजाते हैं। हाँ। अरे बाप रे, इतना मोटा ताजा है भैया, कैसे ढोलक तो फट जाता होगा। ये नाल तो सब दिन बजाए सर इस बच्चे। अच्छा, नाल जो बजाते हैं कला से बजाते हैं कि बल से बजाते हैं? नहीं सर, कला से, ताकत कुछ है सर। बजाइएगा तो साफ है कि ढोलक फट जाए? नहीं फूटेगा सर, हम लोग कलाकार हैं सर। नमस्कार, मैं हूँ संतोष कुमार और आप देख रहे हैं हकीकत सब तक। अभी हम नवादा जिला के गुलनी गाँव में हैं और यही गुलनी गाँव के सिंगर हैं राजू आजाद जी, जो आजकल सोशल मीडिया पर काफी वायरल चल रहे हैं। और इनका वायरल का मुख्य जो श्रेय है वो गुंजन सिंह को देते हैं, है ना भैया? आपका जो मुख्य श्रेय जो जाता है वायरल होने का, गुंजन सिंह को देते हैं ना? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी श्रोता समाज को मेरा प्रणाम है। अथी नहीं देते हैं वो इंसान ऐसे हैं, हमारे लिए नहीं सबके लिए। बिल्कुल, वो हमारे गुरु जी हैं समझ लीजिए तो। अच्छा, आपके गुरु जी हैं? जी। और आज तक कोई भी इंसान हमें बढ़ाया तो जो मैं जीवन में नहीं देखा था, जो सोचा भी नहीं था कि अब कहाँ हम स्टेडियम जा पाएंगे, लेकिन गुंजन सिंह जी का देन है। उतना बड़ा स्टूडियो में चल गए हैं ना, जहाँ जाने के लिए जो है बड़ा बड़ा स्टार भी जो सोचता है कि इतना पैसा हमको खर्च करना पड़ेगा, ऐसा सारा जिम्मा जो है गुंजन सिंह जो है इनके ऊपर उठाए हैं। गुंजन सिंह का ही देन है कि इतना बड़ा जो है स्टूडियो में जाकर के आप गाना गाएं? जी सर, उन्हीं का देन है कि और सारे जमुई हो गया चाहे और कहीं का, हर जगह नवादा से सारे स्टूडियो का कॉल भी मेरे पास आने लगा। कॉल आता है ऑफर जी कि आप गाइए हमारे स्टूडियो से, क्योंकि सर देखिए हमारे गाने के लिए सिर्फ स्टूडियो चाहिए, राइटिंग हम खुद कर लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका पसंद का गीत लिख देंगे तो उसमें कोई अथी नहीं है, मेहनत में हम हटते नहीं है सर, बाकी पैसा हमारा पास नहीं है। बिल्कुल, जो बात है गुंजन भैया, आज जो कुछ भी हूँ मैं उन्हीं के वजह से हूँ और उन्हीं के चरण में मैं सोचता हूँ कि मेरा गुजारा हो जाए तो इससे बड़ी बात नहीं कुछ जी। अब कुछ नहीं चाहिए हमको। आपके लिए गुंजन भैया जो एक भगवान के रूप में है ना? भगवान है ये है कि भगवान हमारे लिए ना सर, वो इतना नवादा जिला नहीं बल्कि हर जिला के लोग को इतना प्यार करते हैं, आज वो नेता बनने का ये रखे हैं। क्यों पता है सर? कि आज तक हमारे नवादा जिला में जो कोई बाहर से जीत के गए, यहाँ से जीत के गए, वो दोबारा झांकने नहीं आए हैं। और भैया का कहना है कि सबसे जहाँ से जहाँ भी जाता हूँ रोज कंडेस्टर चाहे और कुछ, सबसे ज़्यादा नवादा में है, इसका हल हमको करना है, इसलिए वो नेतागिरी मार रहे हैं, नहीं तो फिल्म इंडस्ट्री ज़्यादा पैसा है। बिल्कुल। अच्छा, लोग गुंजन सिंह को ही वोट क्यों दें? वोट देंगे क्यों देंगे ये मैं बताता हूँ, इसलिए देंगे कि वो जो हैं युवा हैं, उनके अंदर श्रद्धा इतना तेज है। बताइए, वो खुद कहते हैं, हमसे कहते हैं कभी कभी बात होता है तो कहते हैं कि राजू हम जब संसद बनेंगे पटना छोड़ देंगे, हम नवादा रहेंगे, काम पड़ेगा तभी दिल्ली जाएंगे, तो नवादे में शूटिंग होगा, नवादे में गाना होगा और सब कुछ नवादा में होगा। अच्छा, कहा जाता है नेता के वादा और कमजोर के इरादा टूटे लगी बना है ना, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस प्रकार अभी लोकसभा चुनाव का जो भी सांसद नवादा से जीते हैं सारे जो है बाहर से ही आए हैं और लोगों की समस्या को ना देखते हुए कभी जो है बाहर में ही रहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि घर का बेटा रहते हुए भी ये बाहर ही रहेंगे? नहीं सर, सुनिए हम बताते हैं, अगर मेरे यहाँ के सांसद होते तो जो नवादा के नाम से स्कूल आया है वो देखिए बाहर चला गया। अच्छा, यहाँ का आज नवादा का सांसद होते तो कितनों भी कुछ करते ना तो एक हॉस्पिटल जरूर होता है यहाँ पे, आज हॉस्पिटल नहीं है, इतना दूर पावापुरी है, लोग जाते जाते रास्ता में मर जाते हैं, इसका जिम्मेवार कौन है बताइए? बिल्कुल है, तो गुंजन भैया को यही सब सोच है कि नहीं, अरे सब कुछ तो भगवान दिया ही है जी। एक ऐसा करते हैं कि कुछ लोग का भलाई हो जाए जी। ये उनका कहना है। दूसरी बात, जो गरीबी से उठता है वो गरीबी का दर्द को समझता है, कहीं ना कहीं गुंजन सिंह गरीबी से उठे हैं और गरीबी का क्या हालत होता है उसे मालूम है। ठीक है सर, मान के चलिए नवादा के लोग सोचते हैं कि गुंजन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए सबको सपोर्ट कर रहे हैं, सबके साथ मिल रहे हैं, ये बताइए नालंदा वाला उनको क्या वोट देगा? बताइए, नालंदा में अभी एक हादसा हुआ है, वहाँ जाके जितना बना बेचारा से दिए हैं उसके बाद उससे जाके मिले, कई जगह पटना में कोरोना में ठंडी में कमल बांटे, ये किए वो किए, तो वो क्यों किए वो जी? अब ये तो घर है, सोच लीजिए इसके लिए क्या करेंगे वो। इसलिए मैं कोई बनावटी बात नहीं कह रहा हूँ, आप लोग भरोसा करिए और नवादा को विकास करना है इस बार। और कहना है, मेरा कहना एक ही बार है, मैं छोटे मोटे गांव में प्रोग्राम करते रहता हूँ, हर जगह माहौल है कि एक ही नाम गुंजन सिंह, एक ही नाम गुंजन सिंह, गुंजन सिंह कि अरे गुंजन सिंह जैसा, अरे गुंजन सिंह जैसा वीर बबाल चाहिए, कि गुंजन सिंह जैसा वीर बबाल चाहिए। नवादा के लोग फैसला किए हैं कि अरे अब नवादा में नवादा का लाल चाहिए, अब नवादा में नवादा का लाल चाहिए, अरे जे जीतल खून जे जीती के गैल खून, एको दिन घूमो खातिर गाँव नहीं अल खून।
एलखुन है कागो कोई कहियो नहीं एलखुन है जीवन में नहीं। सर देखिए हमने किसी को बुलाया नहीं यहाँ पे, हमारा प्रेम इतना है गांव में, हर जाति हर समुदाय के लोग हमें इतना मानते हैं। देखिए भैया जो हमें बचपन से ढोलक बजा के यही जाते थे मंदिरों पर, ढोलक बजाते हैं हाँ। अरे बाप रे इतना मोटा ताजा है भैया, किसी ढोलक तो फट जाता होगा। ये नाल तो सब दिन बजाए सर इस बच्चे। अच्छा, नाल जो बजाते हैं कला से बजाते हैं कि बल से बजाते हैं? नहीं सर कला से, ताकत कुछ है। बल से बजाइएगा तो साफ है कि ढोलक फट जाएगा? नहीं फूटेगा सर, हम लोग कलाकार हैं सर, हम लोग कलाकार हैं, नहीं फूटेगा। कहा गया सर जरा सा एक मिनट जी, परंतपाल रघुवंश मनी थोड़ा रामायण में आता है सर, रामायण सब कुछ रामायण में सर। परंतपाल रघुवंश मनी करना सिंध खरार, गए सन प्रभु राखियो और सब अपराध विसार। कहने का मतलब है सर कि मेरा राजू आजाद जो है आज मान के चले नवादा डिस्ट्रिक्ट के जो बारे बात आप कर रहे थे कि हमारे सांसद नवादा के कभी नहीं बनते हैं, क्यों? हम लोग में त्रुटि है, क्यों का त्रुटि है ना जी, हम लोग जनता। यदि नवादा का लाल जो है चुनाव में अभी तक नहीं जीत पाया है, यदि कोई बाहरी आकर के नवादा को लूट रहा है तो इसका जिम्मेदार खुद जो है जनता है जी। हम लोग में त्रुटि, जनता में त्रुटि है, हम लोग में आपसी मतभेद है, जातिवाद है। और हम चाहते हैं सर कि जैसे मान के चलिए निरहुआ हो गए, साड़ी लाल हो गए, मनोज तिवारी हो गए, उनसे कम कलाकार नहीं है गुंजन से हमारे भैया। बिल्कुल बहुत बढ़िया गुंजन जी का आवाज़ है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन क्या है नवादा डिस्ट्रिक्ट में क्या भैया कि आते हैं अभी इस बार जो आए हैं ना, इस बार एकदम हर हाल में जीतेंगे, हर हाल में एकदम हर हाल में जीतेंगे, क्योंकि हम जनता से देखते हैं। हम तबला बजाते नाल बजाते हैं भैया, ये राजू आजाद जो है ना आगे बढ़ गया और बढ़ेगा आगे, हम लोग नाल तबला बजाते हैं, लेकिन देखते हैं यहाँ जाते हैं ना गुंजन भैया खाली बस लोग यही बोलता है कि हमारा घर का बेटा है, बस इस घर के बेटा के वजह से गुंजन भैया जो है ना नवादा में अगर उनको सीट मिल गया तो अच्छी बात है, अगर निर्दलीय भी आ गए ना तो उनका जीत सुनिश्चित है, ये मेरा वादा। देख सकते हैं ये गांव भर के छोटे छोटे कलाकार हैं, और ये देखिए गाने वाले थे और ये बजाने वाले थे, लेकिन बजाने वाले के बजाते बजाते इनके अंदर कुछ हो गए सर, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाले नहीं। ये तो लड़का जरा सा यहाँ गया, क्या बोलता है लुधियाना गया तो कुछ रसा ही मैंने गाने लगा। आप कहाँ रहते थे? हम तो सर अभी बस यही रहते हैं। ये जो लुधियाना चल जाते होंगे तो आप तो तबला आपका धैल रहता होगा? नहीं सर बहुत व्यास है, छोटा मोटा कलाकार सब बड़ा सब व्यास बुढ़ा हो गए, कोई आगे नहीं बढ़े, कारण क्या आगे बढ़ाने वाले कोई नहीं। देख सकते हैं गांव घर के छोटे छोटे कलाकार हैं, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं सर, जितना है नवादा जी का, ये जो राजू आजाद है मैं गर्व से कहता हूं, मैं इसको साबसी दिया था, गर्व से कहता हूं सर कि नवादा डिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि पूरे बिहार में नंबर वन कलाकार बनेगा, बसरते कि हमारे गुंजन भैया से इनको सपोर्ट और कर दे। सपोर्ट किए हैं और गुंजन भैया के हम लोग खुद सपोर्ट करेंगे कि हम लोग का गुंजन भैया सिंह हमको सांसद चाहिए, हमारा आज लालसा लगा हुआ है जीवन भर, हमारे पिताजी स्वर्गीय सर्वास कर गए, सबको आशा है कि एक बार हमारे नवादा जिला के को सांसद बन के दिखा दे, जरा सांसद बने, हम लोग का जुनून है और जज्बा है कि अभी हर हाल में गुंजन भैया को यहाँ बनाना है, और ऐसा कोई चेहरा नहीं नजर आता है ना जी। तो देख सकते हैं नवादा का विकास चाहिए तो नवादा का ही लाल चाहिए, ऐसे लोगों का कहना है। बाकी जो भी इस वीडियो को देख रहे थे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। कि अरे गुंजन भैया ले पानी के जगह, अरे बहा दे बैखुनवागे, हम नहीं कह रहे हैं पूरा जनता कह रहा है, गुल्ली के बहा देंगे सर जी, अरे गुल्ली के बहा, कि गुंजन भाई गुल्लीये को बहा देना है, अरे गुंजन भैया ले पानी के जगह, अरे बहा दे बैखुनवागे, अरे जब ले न संसद बनैबे भैया के न लेबे सकुनवागे, जब ले न संसद बनै भाई भैया के कजली एने आव कजली हां, अरे न ले बैसा कुनावागे, क्या क्या कहती है इस पर कजली कहेगी अपने मुंह से और इस पे इनका अंतरा हम ले रहे हैं बिल्कुल।